और ये बहुत सारे लोगों को होते भी हैं ये सारे प्रॉब्लम्स बट येस अगर सही से ट्रीट करें तो बहुत अच्छा है अगर उसको सही से ट्रीट ना कर पाए हम लोग तो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है राइट सो वन ऑफ द स्किन केयर अगर हम लोग यहाँ पे बातें करें यू नो लाइक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करें तो आज हम यहाँ पे सिंपली एक्ने को लेके यहाँ पे डिस्कशन करने वाले है एक्ने पिम्पल्स बहुत सारे रीजन के वजह से होते हैं चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो सो so, आज एक्सटर्नली हम अपने एक्ने को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो सारी चीजें देखेंगे सबसे पहला जो प्रोडक्ट रहेगा जो एक्ने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड करके हमारी कंपनी ने इसको लॉन्च किया हुआ है वो है हमारा काइपो स्किन एंटी एक्ने ओवरनाइट जेल सबसे पहला तो ये एंटी एक्ने है इनफैक्ट ये ओवरनाइट जेल भी है और इनके साथ साथ एक्ने के बारे में अगर हम देखें तो एक्ने इज बेसिकली कॉमन स्किन कंडीशन ये एक कॉमन स्किन कंडीशन है जहां से पोर्स जो है हमारे स्किन का वो काफी ज्यादा ब्लॉक्ड हो जाते हैं हम आईने में अपने आप को जब बहुत अच्छे से देखते हैं ना राइट तो अपने पूरे फेस को आईने में जब देखेंगे इस तरह से थोड़ा सा एनलार्ज करके तो बहुत छोटे-छोटे गड्ढे गड्ढे जैसा दिखता है व्हिच इज नोन एज पोर्स वो उसको हम लोग पोर्स बोलते हैं हमारे सिर्फ चेहरे पे Uh, कम से कम बीस हजार से ज्यादा ओपन पोर्स होते हैं तो हम खुद समझ सकते हैं कि जब हमारे चेहरे पे बीस हजार से भी ज्यादा ओपन पोर्स है तो हमारी बॉडी में कितने होंगे राइट right. So, जहां से हमारा पसीना निकलता है जहां से हमारा यू नो लाइक स्वेटिंग जो रहती है नेचुरल मॉइस्चर जो रहता है वो सारी चीजें हैं और वहीं से ही हमारे स्किन में जो मॉइस्चराइजर क्रीम कुछ भी लगाते हैं वो पेनिट्रेट भी होता है डस्ट पॉल्यूशन गंदगी सारी चीजें उधर से पेनिट्रेट भी होती है अंदर भी जाती हैं So, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे कि हमारे जो पोर्स ब्लॉक होने लग जाते हैं मतलब जब हमारा जैसे हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हमें काफी डिफिकल्टी होगी हमारी जान भी जा सकती है राइट उसी तरह से हमारा जो स्किन है हमारे पोर्स से ब्रीथ करने का काम करते हैं और जब हमारा स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाएगा हमारा स्किन सांस नहीं ले पाएगा और वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी आने लग जाती है तो ये ब्लॉक होने लग जाते हैं सीव ऑयली सब्सटेंस हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया एंड डेड स्किन सेल्स और ये जो ब्लॉकेज जो है प्रोड्यूस करते हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नोड्यूल और भी बहुत सारे टाइप के पिंपल्स जैसे कि टाइप्स ऑफ पिंपल में देख सकते हैं सबसे पहला है एक्ने स्कार्स बहुत टाइम ऐसा होता है बहुत लोगों का चेहरा जो रहता है यू you नो know, अगर पिंपल आ भी गया वो ठीक अच्छे से स्किन का केयर करेंगे वो ठीक हो जाएगा और उनके दाग जो है सही से स्किन केयर करने के वजह से दाग भी ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं वो चले जाते हैं बट सम्भव ये देखने को मिलता है कुछ कुछ टाइम ऐसा भी फील होने को मिलता है कि जब पिंपल होते हैं तो यू you नो know, हम स्क्रैच कर देते हैं नाखून लग जाता है बहुत सारे इनके ऐसे रीजंस रहते हैं और इसके वजह से सही से केयर नहीं करने के वजह से धूप में ऐसे ही चले गए या फिर बहुत हीट वाली जगह पे जहाँ पे वो जो दाग है वो जो घाव है और ज्यादा बर्न हो जाता है जल जाता है और उनके दाग जो है सालों साल तक रह जाते हैं एक साल दो साल कभी कभी ऐसे भी कंडीशंस बहुत बार देखने को मिलते हैं कि बहुत लोगों के जो पिंपल के जो दाग रहते हैं वो तीस साल पहले चालीस साल पहले पिंपल हुआ था उसके दाग यू you नो know, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उसके दाग आज तक रह गए तीस चालीस साल के बाद भी राइट right. सो so, ये डिपेंड करता है कि हमारा स्किन किस तरह से वर्क कर रहा है हम अपने चेहरे का अपने स्किन का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं उस तरह से एक्ने स्कार्स पॉस्ट्यूल पैप्यूल नोड्यूल ब्लैकेट्स होने लग जाते हैं सिस्ट होने लग जाता है घाव काफी ज्यादा होने लग जाते हैं सो है. so, ये सारे इनके टाइप्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सो प्रेजेंटिंग यू द वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट विच इज नोन एज एंटी एक्ने ओवरनाइट जेल और ये जो जेल है ये वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन से बना हुआ है तो मतलब जिनकी भी ये यू नो लाइक माइंड में ऐसा रहता था कि हम एक तो पहले से ही बहुत पिंपल है स्किन में और हम कुछ ऐसी क्रीम नहीं लगाएंगे जो बहुत चिपचिपा सा फील होने लग जाए क्योंकि बहुत चिपचिपा होगा धूल मिट्टी आके बैठेगी जिसके वजह से पिंपल और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे और, और ज्यादा होने के चांसेस होंगे तो ये हमें उनसे भी बचाए रखने का काम करेंगे क्योंकि ये वॉटर बेस्ड है ये ट्रीट करते हैं के स्कार्स को हु सो एवर विल आस्क द क्वेश्चन कि उनको पिंपल का दाग है आप जरूर ये प्रोडक्ट उनको देंगे पिंपल है तो भी आप ये उनको प्रोडक्ट देंगे और ये प्रिवेंट करते हैं ब्रेकआउट से इन फ्यूचर मतलब यू you नो know, जब आप यूज कर रहे हैं तो ये आपके आ, यू नो लाइक जो अपकमिंग जो हल्का हल्का दिख भी रहा है पिंपल आने का तो पहले से यूज करने लग जाएंगे ये उनको भी प्रिवेंट करने का बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारे डीपर तक पेनिट्रेट करते हैं इनके जो इंग्रेडिएंट है इसमें नीम एक्सट्रैक्ट है नीम हमें ऐसे भी पता है काफी ज्यादा यू नो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होते हैं तो बहुत अच्छे से असर करेगा इनफैक्ट इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है बहुत ज्यादा ऐसा होने के वजह से स्किन सेंसिटिव होने लग जाती है उनके लिए बेटर रहेंगे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है तो डेफिनेटली थोड़ा सा विटामिन सी भी काफी अच्छा खासा इसमें रहेगा जिसकी वजह से विटामिन सी दाग धब्बों को लाइट करने में हेल्प करता है सेफरन है केसर है इसके अंदर जो कि स्किन को हेल्दी रखेंगे इसमें टर्मरिक है एंटीसेप्टिक का ये काम करेंगे टी ट्री ऑयल है विटामिन ई e है और पिम्पल के अंदर बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जो यू you नो know, इतना बड़ा सा जो पिम्पल हमें दिखने को मिलता है आ, काफी ज्यादा सूजन हो जाती है रेडनेस होने लग जाता है तो उसके अंदर जो पस भरा रहता है उस पस के अंदर बैक्टीरिया बेसिकली होता है राइट विच इज नोन एज प्रोपाइन बैक्टीरिया सो so, अब ये क्या है कभी भी किसी को पिंपल ऐसे अचानक से नहीं होता है जब भी, भी पिंपल होने वाला होता है तो वो पोर्शन जो है वहां पे थोड़ा सा रेडनेस होने लग जाता है हल्का पेन होने लग जाता है रेडनेस होने लग जाएंगी स्वेलिंग होने लग जाएंगे तब धीरे धीरे करके वो पिंपल आने लग जाएगा वो जो स्वेलिंग होती है वो जो पस रहते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उसके वजह से वो जितना ज्यादा ग्रो होते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा पिंपल भी बड़ा होते जाएगा राइट, right. सो so, ये उनके रेडनेस को, को सूजन, स्वेलिंग कम करने का काम करेंगे स्किन को ग्लोई रखने का काम करेंगे वर्क करते हैं बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली जो कि रिड्यूस करते हैं दात धब्बों को एक्ने के स्कार्स को ब्लेमिशेस को हमारे चेहरे को क्लीन रखते हैं, ये इन फैक्ट बैक्टीरिया को दूर करने में हेल्प करते हैं धूप के वजह से सन के वजह से जो हमारा स्किन डैमेज होने लग जा रहा है ये उनसे भी हमारे स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं हमने क्या करना है बस अपने फेस को फेस वॉश करना है जो कि अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं किस तरह से इसका प्रॉपर रिज्यूम करना है फेस वॉश करके आप रात में इस क्रीम को जरूर लगाएंगे इस जेल को जरूर लगाएंगे बट बिफोर दैट कि वो जेल है तो आप थोड़ा सा इसको बॉटल को शेक करेंगे कोई भी चीज को आप शेक करेंगे ऐसे कोई भी जेल बेस्ड में भी रहेंगे तो देन उसके बाद आप साफ फिंगर टिप में लेके आप अपने चेहरे पे यूज कर सकते हैं पिंपल और पिंपल के दाग दोनों के ऊपर ही ताकि दोनों के लिए इफेक्टिवली वर्क करे कुछ ही दिन में आपको देखने को मिलेगा कुछ हफ्तों में नहीं कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो पिंपल हो चुके हैं ऑलरेडी वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहे हैं बहुत अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर रहा है हमने जो फेस वॉश यूज करना है फेस वॉश हमने विटामिन सी फेस वॉश यूज करने की जरूरत है क्योंकि विटामिन सी फेस वॉश जो है बहुत टाइम हम अपने फेस को सही से क्लीन नहीं करते हैं इस वजह से भी पिंपल्स काफी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं एंड वन मोर थिंग में एक और चीज यहाँ पे जरूर हम सब यू नो डिस्कस करना चाहेंगे right? कि कभी भी पिंपल होता है प्लीज मेक श्योर की हम कभी भी पिम्पल्स के दौरान कोई भी ऐसी चीजें ना लगाए जो बहुत ज्यादा यू you नो know, लाइक like, जिसमें बहुत ज्यादा ग्रेनल्स हो विच मीनस स्क्रब हम पिंपल्स अगर बहुत ज्यादा रहेंगे तो हम पिम्पल्स के दौरान कभी भी स्क्रब नहीं करेंगे स्क्रब को हमेशा अवॉइड करेंगे क्योंकि स्क्रब के अंदर ग्रेनल्स होता है राइट अगर हम स्क्रब कर भी लेते हैं तो पिंपल के ऊपर वो उसके जो ग्रेनल्स जो दाने दाने जैसा है वो जाएगा जिसके वजह से पिंपल बर्स्ट भी हो सकता है हल्का सा नाखून लगने से पिंपल बर्स्ट हो सकता है तो ग्रेनल से तो ऐसे ही हो जाएंगे सो so, इस वजह से हम अवॉइड करेंगे अगर हमारे फेस पे एक पिंपल है या फिर दो पिंपल है उस जगह को छोड़ के हम बाकी अपने फेस पे कर सकते हैं राइट सो इट्स बेटर कि हम फेस वॉश करेंगे और अनहाइजीनिक वे में रहने की वजह से भी बहुत ज्यादा पिंपल्स होती है तो इनके साथ साथ एक और चीज हम लोग ध्यान देंगे कि पिलो कवर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम वॉश करेंगे डेली वॉश करेंगे मान लीजिए कि हम पिलो के ऊपर आज हमने आज हम सोए हम तो हमारा फेस जो है पिलो कवर के ऊपर रहेगा विच मीन हमारे जो फेस से जो नेचुरल ऑयल निकल रहा है वो पिलो के ऊपर लग रहा है अगर हमारे धूल मिट्टी भी लगी होगी चेहरे के ऊपर तो वो भी जाके उसमें लग जाएगा फिर उसके बाद फिर से हम लोग उसको री करेंगे एक ही तकिए कवर पिलो कवर उसको अगर बार बार यूज करते हैं पिंपल के प्रॉब्लम हो रहे हैं सो so, काफी ज्यादा मेजर रीजन है पिंपल होने का सो इट्स बेटर कि आप तकिए का कवर डेली डेली वॉश करिए अगर डेली वॉश नहीं हो पाता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा आप टॉबल बिछा सकते हैं है, राइट जिसके वजह से आप हाइजीन जितना ज्यादा मेंटेन करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा और ये जो विटामिन सी फेस वॉश है ये लाइटन ब्राइटन करते हैं स्किन को जो दाग धब्बे हो गए हैं डल हो गया है स्किन पिम्पल्स में ये इवन स्किन टोन रखते हैं, हेल्दी स्किन बनाए रखने का काम करते हैं रिफ्रेश रखते हैं और ये इमप्योरिटीज को दर्द के साथ साथ इमप्योरिटीज को दूर करके प्योरिटी प्रोवाइड करने का, प्योरीफाई करने का काम बहुत ही अच्छे से करते हैं सो so, जिस वजह से ये डस्ट पोल्यूशन को काफी अच्छे से हेल्प करेंगे हटाने में इसके हीरो इंग्रेडिएंट जो है ये जो प्रोडक्ट की स्पेशलिटी जो है इसमें विटामिन सी एक्सट्रैक्ट है विटामिन सी और uh, डेफिनेटली इसमें रहेगा तो हमारे स्किन को लाइट और ब्राइट करेगा स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट है लाइट एंड करते हैं और जो यूवी रेज जो है अल्ट्रा रेज जो है हार्मफुल रेज है उनको दूर करते हैं हमारे स्किन में जो भी प्रॉब्लम होने लग जाते हैं है जो कि करेक्ट करते हैं so हम, you know, हम, हम यहाँ पे यू नो कोला क्रीम लगा ले हम यहाँ पे बोल सकते हैं अल्ट्राफेडनेस क्रीम यूज कर ले हम कुछ भी क्रीम लगा ले जब तक हमारा चेहरा को हम फेस वॉश नहीं करेंगे क्लीन नहीं रहेगा तो वो गंदे फेस पे कोई भी चीजें असर नहीं करेंगी बहुत ज्यादा जरूरी है हम कितना भी अगर हमें पिंपल हो गया हम कितना भी ओवरनाइट जल लगा ले वो तब तक सही से काम नहीं करेगा जब तक हमारा चेहरा साफ नहीं होगा हमें कोई भी चीज को असर करने में गंदगी की जो परत बैठ गई है हमारे चेहरे पे उसको हटाना जरूरी है और ये विटमिन सी फेस वॉश से बहुत ही अच्छे से ये इनको हटा सकते हैं तो पूरे फेस को आप अच्छे से टारगेट कर सकते हैं जैसे कि आपका लगता है कि आपको सबसे ज्यादा डस्ट जो है बहुत ज्यादा नोज के पास या फिर लाइक चिन के पास काफी ज्यादा आ रहा है फोरहेड का आ, के पास काफी ज्यादा आ रहा है आप बहुत ही अच्छे से अपने फिंगर टिप से अच्छे से जैसा आप फेस वॉश करते हैं वैसे ही करना है बस आलस नहीं करना है क्योंकि विंटर सीजन है आई बिलीव बहुत टाइम यू नो रात में सोने के टाइम जब फेस वॉश करने की बारी आती है थोड़ा सा लेजीनेस जैसा कभी कभी हो सकता है फील होता हो बट हम एक बार अगर हम आलस करने लग जाएंगे वो हमारे लिए हैबिट बन जाएगा और और फिर उसके बाद में हमें खुद पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा रिग्रेट करना पड़ जाएगा क्योंकि स्किन काफी खराब हो जाएगी सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा टाइम देके बहुत ही अच्छे से अपने फेस को हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर सके सो so सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर स्किन रिज्यूम देखेंगे पिंपल केयर के लिए फेस वॉश किया हमने फेस वॉश करने के बाद हम टोनर का यूज करेंगे टोनर बेसिकली ये जो रोज फेशियल टोनर जो है ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है आप इसको एज अ स्किन टोनर तो के तौर पे यूज कर सकते हैं मूड इनहस करने का, का काम करेंगे इनके बहुत सारे यूजर्स है एक्ने फाइटर का काम का 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 करेंगे पोर क्लेंजिंग करेंगे मेकअप रिमूवर का भी काम करते हैं ये रिड्यूस करते हैं रेडनेस को हमारे कॉम्प्लेक्शन डेली डेली हम यूज करेंगे तो ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को लाइट एन ब्राइटन करते हैं एक और चीज हमारा जो चेहरा का कलर है हम यू you नो know, जब छोटे रहते जो भी हमारा चेहरा का कलर रहता है वैसा ही रहेगा राइट अः बहुत ज्यादा जब हम स्कूल जाते हैं बाहर जाते हैं कॉलेजेस जाते हैं अपने काम पे रहते हैं तो हमारा स्किन बड़े होने जितना हम जैसे हमारा ग्रोइंग स्टेज होगा हमारा स्किन भी वैसा वैसा डल होने लग जाएगा ख्याल नहीं रखने की वजह से So, ये हमारे को हटा के हमारे कॉम्प्लेक्शन को लाइट एंड करती है और हमारे जो प्रोडक्ट्स है हमारा जो भी स्किन का कलर है कॉम्प्लेक्शन है ये हमारे स्किन के शेड को एक से दो शेड लाइट करने का काम करती है और इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करते हैं राइट right. सही से स्किन केयर करने से आपका जो भी स्किन का कलर है उसके एक शेड लाइट जरूर करने का बहुत अच्छे से ये हेल्प करती हैं, राइट right. क्योंकि सेम तो कोई भी पर्सन नहीं देखना चाहते हैं अपने आप को बहुत क्लीन रिफ्रेश और बहुत ही ज्यादा यू नो हेल्दी रखना चाहते हैं ये रिड्यूस करते हैं एक्ने को हेल्प करते हैं प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं एंटी एजिंग का काम करते हैं और ये स्किन इरीटेशन को भी सूद करने का इन्फेक्शंस को हटाने का काम करते हैं पिंपल इज ऑल्सो यू नो पिंपल को भी ये भी एक टाइप का इन्फेक्शन है स्किन इन्फेक्शन है सो so, जिस वजह से हमने फेस वॉश किया आप इसको बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं अपने स्किन में और इनके साथ साथ ये सारी जो चीज़ें हैं स्प्रे करेंगे वो बेटर वे में काम करेंगे मूड एनहैंस का काम करेंगे फेस वॉश करने के बाद आप टोनर को क्योंकि ये स्प्रे है बॉटल को शेक करके थोड़ा सा आप अपने फेस पे स्प्रे कर लेंगे और इस तरह से हल्का सा डैप करेंगे ताकि वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए तो ये आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करेंगे आई बिलीव हम लोग uh, दो या तीन सेशन uh, पहले जब हम लोग मिले थे आई बिलीव या फिर एक सेशन पहले किसी ने क्वेरी जरूर किया था कि उनके फेस में बहुत ज्यादा यू नो लार्ज पोर्स है उनके हस्बैंड के स्किन में या फिर उनके स्किन में राइट right? तो ये जिनके फेस में बहुत ज्यादा जिनकी ऑयली स्किन होती है बहुत ज्यादा पिंपल प्रोन स्किन होती है या फिर जो लोग अपने पिंपल को बहुत ज्यादा नाखून से ब्रेक कर देते हैं या फिर किसी भी रीजन से तो उन लोगों के जो फेस रहते हैं उनके फेस में बहुत ज्यादा गड्ढे गड्ढे जैसा दिखने लग जाता है ओपन पोर्स बहुत ज्यादा लार्ज दिखने बहुत ज्यादा लार्ज दिखने लग जाते हैं और ये एक परफेक्ट सल्यूशन है कि आप जिनको भी ऐसा आपको लगता है कि उनके पोर्स बहुत ज्यादा ओपन है उनके फेस में बहुत दाने दाने जैसा गड्ढे गड्ढे जैसा है आप उनको टोनर जो है ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप उनको टोनर दीजिए वो आपके पोर्स को धीरे धीरे करके मिनिमाइज करेंगे और डेली जो स्किन केयर कर रहे हैं वैसा करने से उनका वो जो स्किन कंडीशन है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा उस तरह से भी उसको यूज करेंगे इनके साथ साथ अगर हमने मेकअप बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी किया हुआ है किसी पर्सन ने तो थोड़ा सा हम अपने फेस को यू नो लाइक स्प्रे करके या फिर कॉटन में स्प्रे करके बहुत अच्छे से मेकअप रिमूविंग का बहुत अच्छे से इसमें हेल्प ले सकते हैं सो so, इस तरह से इनके मल्टीपल यूज यूजेस है इस हमारा लाइक like, uh, ये जो फेशियल टोनर है इनका बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है बहुत अच्छे से ये हेल्प भी करेंगे हमारे लिए इनफैक्ट अगर आपको लगता है यू you नो know, कि आप जब मास्क लगा रहे हैं बहुत ज्यादा ओवर ड्राई हो जा रहा है ऐसा कुछ भी हो रहा है आप इनका भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं ये उसमें भी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे राइट सो हमने फेस वॉश किया विटमिन सी फेस वॉश किया देन टोनर लगाया देन उसके बाद आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं केवा पिंपल स्किन केयर जेल ये है जो कि ट्रीट करता है करता है स्किन ब्रेकआउट्स जो होते हैं पिंपल्स को ट्रीट करते हैं एंड इनके साथ साथ ये मेल एज वेल एज फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं फेस वॉश करके जहां पिंपल है सिर्फ अफेक्टेड एरियाज में आप लगाएंगे साफ फिंगर टिप से और डेली आप यूज करेंगे बेड टाइम के टाइम बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे सीवीड एक्ने क्लेरिफाइंग फेस क्रीम सीवीड वीट एग्नि क्लैरिफाइंग फेस क्रीम जो है ये क्लियर करते हैं स्किन को ग्लोई रखते हैं अभी तक हमने यहाँ पे जो देखा सबसे पहला जो प्रोडक्ट देखा ओवर नाइट जेल देखे हमने इनके साथ साथ इन, हमने पिंपल के लिए स्पेशलाइज जो अगर हम लोग प्रोडक्ट बोले जेल भी देखे इनके साथ साथ यहाँ पे अब हम क्रीम भी देख रहे हैं एग्नि सीवीड क्रीम जो रहेगा क्योंकि बहुत ही अच्छे से इसमें विटामिन मिनरल्स है सूद करते हैं हमारे स्किन को इनफ्लमेशन ब्रेकआउट को दूर करते हैं और ये क्रीम यहाँ पे एड करने का एक ये भी मतलब है कि आप ये जो क्रीम है आप इसको दिन में भी यूज कर सकते हैं राइट सो so, जिस वजह से आप फेस वॉश करेंगे उसके बाद टोनर यूज करके आप ये सी क्रीम को यूज करेंगे दिन में और उसके बाद जो है आप सनस्क्रीन लगा लेंगे जो कि हम अभी आगे चल के देखेंगे रात में फेस वॉश करेंगे विटामिन सी फेस वॉश टोनर यूज करेंगे रोज वाटर यूज करेंगे देन ओवरनाइट जेल जो है या फिर हमने यहाँ पे ओवरनाइट जेल देखा या फिर पिंपल आ, स्किन केयर जेल देखे वो आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं राइट इस तरह से हमने यूज करना है अगर पिंपल के दाग बहुत ज्यादा हो गए हैं पिंपल हो गया है पिंपल है, है तो उसके दौरान आप पिंपल के प्रोडक्ट यूज करेंगे लेकिन पिंपल अब पूरे वैनिश हो गए हैं खत्म हो गए हैं लेकिन उनके दाग अभी भी बहुत ज्यादा है तो हम एंटी मार्क क्रीम जो है इनका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं माकिया क्रीम जो है बेसिकली एंटी मार्क क्रीम सो ये स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है इसमें एलोवेरा है ग्रेप सीड है बहुत ही अच्छे से हमें हेल्प करते हो बा एंड uh, इसमें पाए जाते हैं जो कि आपके दाग को धीरे धीरे करके इतना लाइट करने लग जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि दाग हुआ भी था इनफैक्ट ये जो एंटीमाप क्रीम है अगर स्कार्स है छाइयों के भी इश्यूज है हल्के हल्के लग रहा है कि छाइया आने जैसी लग रही हैं, आप उसके ऊपर भी आप जरूर लगाइए क्रीम, ये, ये बहुत अच्छे से असर करेगा ये आपके दाग को रिड्यूस करेगा और ज्यादा ना हो प्रॉपर स्किन केयर करने के वजह से उनको भी ये प्रिवेंट करने का बहुत अच्छे से काम करते हैं लास्ट में सबसे लास्ट में हम लोग जो अपने स्किन केयर करेंगे दिन में डे टाइम में वो रहेगा हमारा लास्ट जो लेयर रहेगा वो सनस्क्रीन का लेयर रहेगा जो कि एस पी थर्टी आप यूज कर सकते हैं और इसके अंदर पी ए डबल प्लस है पी ए मतलब प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी ए रेस और यूवी बी रेस से प्रिवेंट करता है और यहाँ पे क्लियरली इस सनस्क्रीन में लिखा है कि लाइटनिंग इफेक्ट है और इनके साथ साथ ये लाइट टेक्सचर है बिल्कुल भी हैवी नहीं रहेगा ऐसा हमेशा फील नहीं रहेगा कि कुछ लगाया हुआ है हमने नॉन ग्रीसी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ग्रीसी विच मीन्स बहुत लोगों की ये यू नो रिक्वायरमेंट होती थी कि हम कोई ऐसी लगाए जो हमें लगाने से चिपचिपा ना लगे सो so, ये उसी का ही काम करते हैं जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं उससे 15 से 20 मिनट पहले जरूर इस सनस्क्रीन को हम यूज करेंगे रेगुलर यूज करेंगे और सनस्क्रीन में कहीं नहीं लिखा है कि उसको सिर्फ चेहरे पे लगाना है पूरे एक्सपोज बॉडी एरिया में लगा सकते हैं हम लोग हाथ में पैर में नेक में भी यूज कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि यू you नो know, आप स्लीवलेस ऐसा कुछ ड्रेस पहनते हैं या फिर आपके ड्रेस जो है उसका मटेरियल उसका फैब्रिक जो है बहुत ज्यादा थिन है थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा है राइट तो आप अपने बॉडी में भी सनस्क्रीन लगाएंगे बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा क्योंकि सिर्फ फेस नहीं हमारा पूरा बॉडी भी धूप के वजह से डल होने लग जाता है बट अगर मैं पर्सनली रेकमेंड करूं तो आप बाहर जाने से तो यूज करेंगे ही करेंगे लेकिन अगर आप घर पे भी रहते हैं तो भी आप सनस्क्रीन यूज करिए वो इस वजह से मान लीजिए क्योंकि हमारी आदत होती है हम लोग अब इतने ज्यादा हम अपने आप को यू नो मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं स्टैंडर्डाइज करते जा रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी गैजेट ये सारी जो चीजें हैं इसकी अब आदत हो गई है ये अब हमारे लिए कोई लग्जरी नहीं है ये हमारे लिए नेसेसिटी हो गई है हम बहुत ज्यादा हमें कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा लैपटॉप के सामने बैठना स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा करना बहुत लाइट में बैठना इनके साथ साथ यू नो मल्टीपल लाइट्स ऑन रहते हैं घर पे इनके साथ एसी हमेशा चलते रहता है और हम यू you नो know, जब टीवी देखते हैं स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं इनके साथ साथ हम जब कुकिंग करते हैं गैस पे तो गैस का भी हीट हमारे स्किन पे आता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लाइट से यू नो एक्सपोज होते हैं हमारे विंडोज जो है डोर जो है वो थोड़े ओपन रहते हैं तो उधर से धूप भी आती है हमारे घर पे काफ़ी अच्छी खासी तो ये सारी चीज़ें वो भी हमारे स्किन को हार्मफुल कर सकते हैं So, जिस वजह से यूवी एयर बेसिकली हम लोग जो बोले तो ये जो है बेसिकली हम जब घर पे भी रहेंगे तो भी आप सनस्क्रीन जरूर लगाइए ताकि जो दाग हो भी रहे हैं हमारे चेहरे में जो ऑलरेडी हो चुके हैं ये उनको भी धीरे धीरे लाइट करेंगे और ज्यादा दाग ना हो ये उनसे भी प्रिवेंट करेंगे धूप की किरणें जो है बहुत टाइम हमें यू you नो know, हमारा ये क्वेरी भी रहता है कि हम अच्छे से तो स्किन केयर करते हैं फिर भी हमारे स्किन में थोड़ा सा एजिंग जैसा पता नहीं क्यों थोड़ा सा हम ओवर मेच्योर जैसे क्यों दिख रहे हैं अगर हम चाहते हैं कि हमें एज से पहले एजिंग ना हो और जो अब हमारा एज जो हो भी गया है उसमें भी हम बहुत ज्यादा यंग और यूथफुल लगे सो उसके लिए सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सनस्क्रीन जो है ये प्री मेच्योर एजिंग भी आने देता है यूवी ए रेज बेसिकली जो है वो प्री मेच्योर एजिंग प्रोवाइड करती है राइट right. जिसके वजह से हमें बहुत ज्यादा हम एक से ज्यादा एजर्ड लगते हैं सो सनस्क्रीन यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ धूप की किरणें इतनी ज्यादा हार्मफुल है जो कि स्किन कैंसर होने का चांसेस होती है सेकेंड हमारा स्किन जो डैमेज हो रहा है हम ज्यादा जो इतने बड़े दिख रहे हैं यू नो ओवर मेच्योर दिखने लग जाना ये सनस्क्रीन नहीं लगाने की वजह से ज्यादा होता है सो इट्स बेटर कि हम सनस्क्रीन जो है बिना किसी ब्रेक के सनस्क्रीन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है यूज करना राइट right? सो so, सबसे लास्ट में हम लोग यूज करेंगे जो कि रहेगा चारकोल डिटॉक्सीफाइंग फेशियल किट और ये नेचुरल एक्टिवेटेड कोकोनट मिंट है ये ऑल टाइप स्किन के लिए रहेगा आप इसको महीने में दो बार करके आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा दाग हो गया है तो आप लोग 12 डेज में भी इसको 12 टू 15 डेज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं विच मीन्स महीने में दो बार राइट सो इजिली अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मैंने क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि आई हैव ऑल्सो यूज दिस प्रोडक्ट एंड दैट्स वाई आई हैव टेकन द पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट राइट सो so, यहाँ पे मैंने पर्सनली इस प्रोडक्ट uh, का पिक्चर लेके यहाँ पे आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है वो इसलिए यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि हमें यू नो बॉक्सेस के अंदर में इनकी जो नेट वॉल्यूम्स जो है वो क्या है कितनी बड़ी इनकी पैकेजिंग है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इसमें बहुत ही अच्छे से आपको सारे बॉक्सेस में यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा कंटेनर्स में कि इसमें 50 ग्राम 50 एम जो है ये सारी चीजें 50 ग्राम में इसमें ऐड है मतलब अगर चाह के भी कोई एक सिंगल पर्सन एक बार में इसको खत्म नहीं कर सकता है राइट आप एक किट के ऊपर कम से कम कम से कम आप लोगों का फेशियल बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं राइट सो ये अब अगर सही से प्रोफेशनली कर रहे हैं तो उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम हम छह लोगों का एक किट में बहुत ही अच्छे से यू नो फेशियल कर सकते हैं सो ये जो प्रोडक्ट है हमारा फेशियल किट जो है क्यों पिंपल के दौरान पे इसको हमने ऐड किया है क्योंकि एक तरह से ट्रीटमेंट प्रोडक्ट रहेगा इम्प्योरिटीज को डीपली रिमूव करेंगे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेंगे नेचुरल टोन बनाए रखने का काम करेंगे पोर साइज को रिस्टोर करेंगे जिनके पोर्स बहुत ज्यादा लार्ज होने लग गए हैं ये उनको रिस्टोर करने का काम करते हैं धूप के वजह से जो डार्क हो गई है स्किन उनको भी ये बहुत अच्छे से प्रिवेंट करते हैं इसमें टोटल छह चीजें हमें देखने को मिलेंगी जिसमें सबसे पहला फेस वॉश रहेगा देन क्लेंजर होगा देन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब मसाज क्रीम हाइड्रेटिंग जेल एंड मास्क रहेगा राइट right? ये इनके प्रोडक्ट्स रहेंगे और इनके साथ साथ इसमें छह प्रोडक्ट्स जो है इसके इंग्रेडिएंट अब इसके इंग्रेडिएंट से ही हमें पता चल जाएगा कि ये क्यों हमारे लिए बहुत अच्छे से ये हेल्प करेंगे राइट right? So, जिस वजह से इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट है विटामिन सी काफी अच्छी खासी रहेगी तो ये हमारे स्किन को लाइटन ब्राइटन करेंगे एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर है जो कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को भी रिमूव करते हैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है सेंसिटिव स्किन स्किन जो हो गए, हो गई गई है है काफी डैमेज उनको ट्रीट करते हैं टी ट्री ऑयल है पिम्पल्स के लिए काफी अच्छे से हेल्प करते हैं ऑलिव ऑयल है मिंट ऑयल है विटामिन बी है विटामिन ई है, e है जो कि हमारे स्किन को यूथफुल बनाए रखने का भी काम करते हैं हमने यहाँ पे इनके सारे चीजें जो है आप बॉक्स को पीछे से पलट के देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखी गई हैं कि किस तरह से इसको यूज करना है सबसे पहला इसमें फेस वॉश और क्लेंजर दोनों ही आपको देखने को मिलेगा इसलिए है क्योंकि हम हमारा जो चेहरा है ऊपर जितने भी टेस्ट है फेस वॉश उनको हटा देगा लेकिन पोर्स तक जाके जो डस्ट बैठ गए हैं उसके लिए क्लेंजर होता है और क्लेंजर डीपली हमारे स्किन को क्लीन करते हैं राइट right? इस तरह से हम कर सकते हैं इनके साथ साथ आप चाहे तो क्लीन कर सकते हैं। फेस को इनके साथ आप या वेट वाइप्स है कॉटन है या फिर वेट चावल है आपका लेकिन वो हाइजीनिक होना चाहिए अगर आप कोई अपने घर से कोई यू you नो know, क्लोथ यूज कर रहे हैं तो काफी अच्छे से कॉटन क्लोथ लेकिन होना चाहिए और काफी हाइजीनिक होना चाहिए इफ नॉट अगर नहीं है तो आप कोई कॉटन ले सकते हैं वाइप ले सकते हैं अगर आप खुद से घर पे कर रहे हैं तो आप अपने फेस को ऐसे थोड़ा सा जाके बेसिन पे क्लीन कर सकते हैं फेस वॉश करके आ सकते हैं राइट इनके बाद अगर आप खुद सेल्फ यूज कर रहे हैं चीजों को तो अगर आपको कोई करके दे रहा है डेफिनेटली तब वो एक प्रोफेशनल वे में बहुत अच्छे से हम लोग वेटवाइप इन सबका टॉवल्स का, का यूज करेंगे थर्ड नंबर पे स्क्रब जो है इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा यू नो ब्लैक ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं दीज आर द ब्लैक और यहाँ पे जो हल्के हल्के आपको व्हाइट दिख रहे होंगे दीज आर नोन एज व्हाइट हेड्स राइट सो ब्लैक हेड्स मीलिया बेसिकली जो है ये काफी ज्यादा होने लग जाते हैं और ठंडियों के टाइम में ब्लैक तो होते हैं लोगों को बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स भी होते हैं आपने नोटिस किया होगा बहुत ज्यादा जब ठंड रहती है स्किन का केयर नहीं रहता है नोज के पास या फिर चिन एरिया यू नो लाइक चिन एरिया

आप थर्ड नंबर को गलती से भी फिर यूज मत करिए राइट फोर्थ नंबर पे आपको क्रीम से मसाज करना है अपने फेस में 10 से 12 मिनट आप मसाज कर सकते हैं जब भी भी मसाज करेंगे प्लीज कीप दिस इन माइंड कि हमेशा थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ मसाज करेंगे राइट फिफ्थ नंबर पे आप तो जेल से फिर मसाज करेंगे आठ से दस मिनट जेल से मसाज कर सकते हैं देन क्लीन करके अपने फेस को हमने मास्क यूज करना है और मास्क को 80 तक सुखाना है ट्वेंटी परसेंट हल्का वेट होना चाहिए पूरा हंड्रेड परसेंट सूख जाएगा जब हम स्माइल करते हैं सारी चीजें रहती है ना तो वैसे लाइन आने लग जाते हैं सो इट्स बेटर कि आप अस्सी तक सुखाइए देन उसको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगे So, इस तरह से आपको करना है टोटल इस किट के अंदर छह प्रोडक्ट्स रहेंगे सिक्स स्टेप्स रहेंगे लेकिन आपने सेवन स्टेप करने की जरूरत है इस वजह से यहाँ पे मॉइस्चराइजर इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि और किसकी स्किन कौन से टाइप की है किसकी स्किन ऑयली है ड्राई है सेंसिटिव है कॉम्बिनेशन है राइट right. सबके अलग अलग स्किन टाइप होते हैं सो so, जिस वजह से आपने फेस मास्क कर लिया अपने फेस को क्लीन कर लिया उसके बाद जो आपका मॉइस्चराइजर यूज करेंगे अगर आपको बहुत पिंपल है तो आप अगर रात में कर रहे हैं तो आप ओवरनाइट जल लगा लेंगे अगर आप दिन में लगा रहे हैं आ, कर रहे हैं तो आप इसको बहुत ही अच्छे से यू नो सनस्क्रीन लगा लेंगे उसके ऊपर हम अपने फेस को जितना ज्यादा रिलैक्स रखेंगे और जितने अच्छे से हेल्दी रखेंगे उतना ही ज्यादा बेटर वे में काम करता है राइट right. सो so, कभी भी और यहाँ पे थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे जब भी पिंपल होगा ऑलवेज रिमेंबर कि अगर यू you नो know, बालों में डैंड्रफ होता है तो डैंड्रफ अगर जहां भी बॉडी पे गिरेगा अनहाइजीनिक वे में रहने वजह से डैंड्रफ जहां भी बॉडी में गिरेगा लाइक शोल्डर के ऊपर फेस के ऊपर तो पिंपल होने के चांसेस रहते हैं वन ऑफ द रीज़न एक्सटर्नल रीजन ये भी है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट पोल्यूशन की वजह से भी पिंपल होते हैं अपने फेस को रेगुलरली अच्छे से क्लीन नहीं करना हाइजीन नहीं करने की वजह से होते हैं हम सोचते हैं हम स्क्रब नहीं करेंगे फेस वॉश से ही चल जाएगा हर बार तो हफ्ते में दो बार स्क्रब करना भी इंपॉर्टेंट है ताकि डेड स्किन हट सके ताकि हमारा स्किन बहुत फ्रेश हो सके उसके लिए यूज करना इम्पोर्टेंट है सो so, उन सब रीजन्स के वजह से भी होते हैं हम सही से अपने स्किन का केयर नहीं करते हैं या फिर जब मेकअप करते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहता है और रात में सोने से पहले मेकअप को रिमूव नहीं करते हैं तो पिम्पल्स होने के चांसेस रहते हैं कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो कि हमारे स्किन टोन को मैच नहीं करता है और हाईली केमिकलाइज रहता है तो पिम्पल्स होने के चांसेस रहते हैं सो so, और बहुत ज्यादा यू नो पिलो कवर अब बहुत ज्यादा यूज रिपीटेडली uh, एक ही यूज किए जा रहे हैं हाइजीन मेंटेनेंस नहीं है तो पिंपल्स होने के का चांसेस काफी ज्यादा होंगे हमारे बाल काफी ज्यादा गंदे हैं क्लीन नहीं है तो पिंपल्स होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि उसके डस्ट भी काफी ज्यादा लग, लगने लग जाएंगे राइट इनके साथ साथ थोड़ा सा अपना इंटरनली भी हेल्थ का केयर करेंगे अगर हार्मोन डिसबैलेंस होता है ऐसा कुछ भी होता है तो भी पिंपल होने के चांसेस हो सकते हैं तो इंटरनली भी केयर करेंगे पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे हार्मोन को बैलेंस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हमें हेल्प करेंगे हमें हेल्दी रहने के लिए राइट सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरह से हम पिंपल केयर कर सके और बहुत ज्यादा जो भी चाय कॉफी पीते हैं बहुत गर्म गर्म चीजें जो यू नो इनटेक करते हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करना है कैफेन इनटेक नहीं करना है और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है अगर आप एग खाते हैं तो एग के अंदर का जो येलो पार्ट रहता है वो काफी ज्यादा यू नो लाइक बॉडी के लिए काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है तो अगर किसी को पिंपल बहुत ज्यादा है तो वो येलो पार्ट जो है उसको भी काफी ज्यादा अवॉइड करना है एग बहुत ज्यादा हीट बॉडी में प्रोड्यूस करती है तो हमें वो सारी चीजें नहीं खानी है उसके वजह से भी बहुत ज्यादा होते हैं राइट right? सो so, इस तरह से थोड़ा सा हम मैनेज करके चलेंगे हम सबके लिए बहुत बेटर होगा सो so, अगर आज के सेशन से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेरी है आप जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको आज का सेशन कैसा लगा आप अपने फीडबैक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो देट नो एंड इफ एनी क्वेरी विद ये पिंपल है, है या फिर के दाग है या फिर पिंपल होने की वजह से बहुत ज्यादा गड्ढे गड्ढे हो गए फेस काफी खराब हो गया है तो उसमें भी वो लोग यू नो टोनर के साथ आप इसको यूज करिए आपको कुछ ही महीने में विजिबल डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे थैंक यू सो मच शीलाक यू सो मच अनुराध सर ओके सो आई बिलीव की अब हम किसी को कोई भी प्रोडक्ट जब रिकमेंड करते हैं फील्ड वर्क में या फिर अपने घर पे सबसे पहला है कि अपने घर के लोगों को हमने स्वस्थ रखना है अपने हेल्दी रहना है सो so दैट कि हम लोगों को कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से यू नो गाइड कर सके रिकमेंड कर सके इंटरनली और एक्सटर्नली हम अपने हेल्थ का केयर करेंगे बहुत जल्दी फास्ट इसके रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेंगे ओके सो आई बिलीव आज का सेशन हम सबके लिए बहुत अच्छा रहा एंड इन बिटवीन अगर कोई क्वेरी छूट जाते हैं या फिर कोई क्वेश्चन होती है तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो so, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन स्टे सेफ स्टे हेल्दी ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन